हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पॉपकैट टोकन के बारे में। पॉपकैट टोकन, जैसे कि आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पॉपकैट टोकन आपको कई बार बाय करने के लिए बोल चुका हूं। यानी कि इसकी जब प्राइस $0.1, $0.3, $0.5 एंड यहाँ तक कि $0.7 थी, तब मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया था कि आप इसमें एंट्री बना सकते हैं एंड मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे इसकी बुल रन की प्राइस प्रिडिक्शन की, यानी कि क्या ये बुल रन में $5 तक जा सकता है या नहीं, और क्या ये यहाँ से रिजेक्शन यानी कि डाउन की तरफ जा सकता है या नहीं। इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट ज़रूर देखें। अभी आप पॉपकैट टोकन की यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, $1 चल रही है। अब यहाँ पर अगर आप पिछले 1 महीने का ग्राफ देखते हैं तो $0.68 और $0.5 तक लो चला गया था पिछले 1 महीने के अंदर। जिसने भी बाई किया होगा उनको लगभग 2x, यानी कि अगर किसी ने 10,000 रुपये लगाए होंगे तो उसके 10,000 रुपये 20,000 रुपये में कन्वर्ट हो गए होंगे। एंड फिलहाल अगर आप इसका ऑल ग्राफ देखते हैं तो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और मैं इसकी वीडियोस काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, यानी कि जब लॉन्च हुआ था तब से इसके कॉइन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पॉपकैट टोकन सोलाना का बेस्ट मीम टोकन है और पॉपकैट टोकन आने वाले वक्त में $5 भी जा सकता है। अगर यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखते हैं तो $1 बिलियन का हो चुका है और आने वाले वक्त में हमें इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पर भी देखने को मिल सकती है। इसकी जो रैंक है वो 69 है। 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम $125 मिलियन की चल रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 16.20% का डाउन चल रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर वेरीफाइड है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टेक्ट एड्रेस सोलाना का दिया हुआ है, यानी कि सोलाना की ओरिजिनल ब्लॉकचेन पर यह वर्क करता है। वेबसाइट, ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप ऑलरेडी अगर इस कॉइन के बारे में जानते हैं तो आपको बता दूं कि ये टोकन है, ये होबी ग्लोबल, क्राकेन, गेट आईओ, कुकॉइन, मैक्सिक ग्लोबल, क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टोकॉम एक्सचेंज, बायबिट एंड अदर काफ़ी सारे एक्सचेंज में मिल जाएगा। किसी भी एक्सचेंज के जरिए आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। एंड जिसने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखकर इसको बाय किया होगा और इसके होल्डर है तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, क्योंकि हर बार आपको प्रॉफिट बुक करना रहता है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको लॉस होने के चांस भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आपने 0.5 पर, 0.6 पर, 0.2 पर या 0.4 पर बाई किया है तो आप अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। लगभग 70% प्रॉफिट बुक करें, 30% आप होल्ड पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो आपको और भी प्रॉफिट होगा और अगर लॉस हुआ तो आपको 30% का ही लॉस होगा, क्योंकि आप 70% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब जो नए यूज़र हैं तो उनको बता दूं कि आप फिलहाल एंट्री ना लें। थोड़ा बहुत अगर आपको $0.7, $0.6 की प्राइस में मिल जाता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। एंड लॉन्ग टाइम की बात की जाए तो क्या ये $5 जा सकता है, तो यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो $1 बिलियन का है और बुल रन में हमें इसका मार्केट कैप 5 बिलियन से 10 बिलियन तक देखने को मिल सकता है। अगर इसका मार्केट कैप 7-8 बिलियन, 10 बिलियन जाता है तो हमें इसकी प्राइस $10 तक भी देखने को मिल सकती है। और जो 2025 का बुल रन होगा ये इतिहास का सबसे बड़ा बुल रन होने के चांस है। एंड अगर इसके ट्विटर अकाउंट की बात करते हैं, ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, पॉकेट सोलाना नाम से इसका ट्विटर यूजर नेम है एंड 59,900 फॉलोअर्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो द रिटर्न ऑफ द किंग 1 घंटे पहले का ट्वीट है, इससे पहले अगर आप देखते हैं तो 3 घंटे पहले का ट्वीट है, लुक्स गुड पॉप डेट। एंड अब आप यहां पर देख सकते हैं आज ही इसकी एक न्यू लिस्टिंग हुई है, होबी ग्लोबल HTX ने 5 घंटे पहले ट्वीट करके बताया है, न्यू लिस्टिंग अलर्ट, पॉपकैट ऑन HTX, डिपॉजिट ओपन, ट्रेडिंग स्टार्ट नाउ। यानी कि 5 घंटे पहले होबी ग्लोबल एक्सचेंज पर इसकी ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुकी है। अगर आप होबी ग्लोबल एक्सचेंज को यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप आसानी से पॉपकैट टोकन को बाय एंड सेल कर सकते हैं। पॉपकैट टोकन ट्विटर अकाउंट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई रॉबिन हुड, हाई बाइनेंस, पॉपकैट कॉइन गेको की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बाइनेंस को यहाँ पर ट्वीट किया गया है, इसका मतलब है कि हमें आने वाले वक्त में
इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पर जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन का काफ़ी बड़ा टोकन है और इसकी लिस्टिंग के ज़्यादा से ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि बाइनेंस पर हो जाए, और अगर बाइनेंस पर होती है तो $2 से $3 इसकी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।